जी कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप भी किसी को याद कर करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं? क्या आप भी किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं? याद आती रहती है तो यादों के अंदर इस एक चीज को जोड़ दीजिएगा। इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारे वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ कि अपने मन की बात कैसे पहुँचाएं, टेलीपैथी कैसे करें, उसको आसान और आसान करने की कोशिश करती हूँ। आज जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ ना, ये भी अपने मन की बात पहुँचाने वाली ही बात है। तो अगर आप भी किसी को याद करते हैं, देखिए इसे ना अपनी नॉर्मल लाइफ में पहले हम लगा करके देखते हैं। जब भी कोई हमसे बात करता है या हम किसी से बात करते हैं तो मज़ा कब आता है? जब कोई हमारी तारीफ कर देता है ना तो मज़ा दुगना हो जाता है ना। और अगर हमने किसी की तारीफ कर दी ना तो फिर उसका भी हमसे बात करने में जो मज़ा होता है ना वो दुगना हो जाता है। मतलब बातचीत का मज़ा ही बढ़ जाता है अगर हमने तारीफ कर दी तो। अगर आप भी किसी को याद कर करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्यों ना आप उन्हें प्रेस कर करके याद करें, उनकी अच्छी चीजों को याद कर करके याद करें। और इसको याद करते समय दुखी नहीं होना है कि तुम्हारी अच्छी बातें याद आ रही हैं अब वो नहीं है और मैं दुखी हूं ना। आपको ये गलती नहीं करनी है, ये अच्छी चीज है इसलिए मैं तुम्हें याद कर रही हूं, तुम्हारे अंदर ये वाली क्वालिटी है इसलिए मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम इतनी अच्छी हो इसलिए मुझे तुम्हारी याद आ रही है, ना कि इसलिए याद आ रही है क्योंकि तुम अब नहीं हो इसलिए याद आ रही है। फिर तो दुख वाला हो जाएगा। आपको खुश होकर के प्रेजेंट में रह करके अच्छे तरीके से याद करना है और उनको प्रेज करते हुए याद करना है। तो इस तरह से जो आपके मन की बात है वो बहुत जल्दी उन तक पहुंच जाएगी और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सिलसिला भी बहुत जल्दी आप तक आने के लिए तैयार हो जाएगा, वो भी आपको याद करने लगेंगे। अब इस बीच में बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या इसमें लेट गो नहीं करना है? याद कीजिए, एक लिमिट तक कीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा याद करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप डेस्परेट हो जाएंगे। अच्छी बातों को लेकर के भी याद करेंगे तो फिर आप डेस्परेट हो सकते हैं। इसे कुछ दिन कीजिए, अच्छे से कीजिए, जब भी याद आ जाए, जब भी आपको लगे याद आ गई, अपने आप आ गई, बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए, प्रेस करते हुए याद कीजिए। अब उसके अंदर ये वाली चीज बिल्कुल भी मत लगाइए जो कि मैंने पहले बताया कि तुम नहीं हो, तुम हो, इस दुनिया में हो, यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, आई मिस यू, तुम इस दुनिया में हो, ऑलरेडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो, आई लव यू, आई मिस यू, मुझे याद आ रही है और तुम्हारी अच्छाइयों की याद आ रही है। इस तरह से प्रेस करते हुए आप याद करेंगे, कुछ दिन के बाद में आप इस चीज को ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अगर आप इस तरह से याद करेंगे ना तुम नहीं हो और याद आ रही है, फिर लेट गो नहीं होगा। अगर आप इस तरह से याद करेंगे ना कि तुम बहुत अच्छे हो और ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो तो फिर लेट गो भी आसानी से हो जाएगा। तो लेट गो तो रिसीविंग का सबसे पहला रूल है, तो उसको नहीं भूलना है। कुछ टाइम तक करके देखिए, देखिए आपको भी अच्छा लगेगा। जिससे आप प्यार करते हैं उसको प्रेस करते हैं आप खुद, तो उसकी यादों को जो भीनी भीनी आपकी खुशबू है ना, आपके प्रेस करने वाली यादें हैं ना, वो उस तक इंसान तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी। ट्राई करने में क्या जाता है, बिल्कुल आपको ट्राई करना चाहिए, लेकिन डेस्परेट होके नहीं, नेगेटिव होके नहीं, लैक्स होकर के नहीं। और लेट को कुछ दिनों के बाद में आपको इसको कर ही देना है या फिर नेचुरली अपने आप ही लेट को हो जाएगा। अपने अंदर रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, तक अट्रैक्ट करें इतना सारा नहीं, अथाह प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।